राजस्थान प्रदेश की पहचान बाजरा सियासत में मुद्दा बनता है, लेकिन जो अन्नदाता करोड़ों का बाजरा पैदा करते हैं उनके लिए सियासत खामोश हो जाती है। बाजरा उत्पादक किसानों को बाजरे का समर्थन मूल्य घोषित करने से उम्मीद नजर आती है, लेकिन सियासत जब घोषणा तक ही सीमित रह जाती है तो किसानों का दर्द सामने आ जाता है। ये दर्द तब और बढ़ जाता है जब राजस्थान से कई कमतर बाजरा उत्पादन करने वाले राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद करते दिखते हैं, लेकिन देश का 40% बाजरा उत्पादन करने वाला प्रदेश राजस्थान के किसान बाजरे की सरकारी खरीद से वंचित रह जाते हैं। प्रदेश में इस बार अच्छे मानसून के चलते किसानों ने बाजरे की ऐतिहासिक बुआई की है। अब तक के मौसम अनुसार झोला चलने से हुए नुकसान के बावजूद प्रदेश में बाजरा पैदावार का रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। प्रदेश में 45,12,000 हेक्टेयर में बाजरे की बुआई हुई है, जहां 60,00,000 टन बाजरे की पैदावार का अनुमान है। सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य फिलहाल 2,350 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया हुआ है। ऐसे प्रदेश में मुट्ठी भर कहे जाने वाले बाजरे की समर्थन मूल्य से कुल कीमत 14,000 करोड़ रुपए बनती है। हालांकि अभी बाजरे का भाव 1,800 रुपए क्विंटल के आसपास है, जिसमें से समर्थन मूल्य के बगैर किसानों को सीधा 550 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस नुकसान का पूरा गणित लगाएं तो ये 3,300 करोड़ के लगभग बैठता है। इस नुकसान से किसानों को बचाने का उपाय समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद है, लेकिन किसान समर्थन मूल्य खरीद को लेकर आशंकित है। किसानों की आशंका के पीछे भी ठोस कारण है। पिछले 2 वर्षों में 50,86,000 और 57,73,000 मीट्रिक टन बाजरे की पैदावार हुई थी। साल 2020 में बाजरे का समर्थन मूल्य 2,150 रुपए प्रति क्विंटल था और बाजार में बाजरा 1,500 से 1,600 रुपए क्विंटल बिका, जिससे किसानों को 3,200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे ही साल 2021 में बाजरे का समर्थन मूल्य 2,250 रुपए क्विंटल घोषित किया गया। फसल विपणन के दौरान बाजरे का बाजार भाव 1,200 से 1,300 रुपए क्विंटल रहा। ऐसे में इस दौरान किसानों को बाजरे में 1,000 रुपए क्विंटल से ज्यादा का नुकसान हुआ और ये कुल नुकसान 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का था। यानी पिछले 2 वर्षों में ही बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसानों को लगभग 8,700 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार भी ऐसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। प्रदेश में मुट्ठी भर बाजरे का नाम लेकर भले ही आपको सियासत होती दिख जाएगी, लेकिन पक्ष और विपक्ष की ओर से बाजरे में किसानों को हो रहे अरबों रुपए के नुकसान और इससे प्रदेश की पहचान से जुड़े बाजरे के भविष्य और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का मुद्दा कहीं सुनाई नहीं दे रहा। पिछले 2 वर्षों में किसानों ने लगातार सरकार से समर्थन मूल्य खरीद को लेकर सरकार के सामने मांगे रखी, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार को बाजरे की खरीद के लिए प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया। किसानों को फसलों के अच्छे दाम दिलाने हेतु कृषक कल्याण कोष के गठन और कृषक कल्याण कोष को बढ़ाने की घोषणाएं कागजों में ही दम तोड़ती दिखाई देती हैं। हाल ही में किसानों ने बाजरा खरीद की मांग को लेकर प्रदेश के तहसील मुख्यालयों से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार किसानों की सुने और समर्थन मूल्य खरीद शुरू कर किसानों को अब और अधिक नुकसान से बचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।